हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, फिट और फाइन होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे। और नया साल स्टार्ट हो गया है, नई नई बातें, नई नई खुशियाँ, सब कुछ नया स्टार्ट है, चल रहा है लाइफ बहुत अच्छी। और आई होप आप लोगों की भी लाइफ अच्छी ही होगी। सो नया साल है तो मैंने सोचा चलो कुछ क्लीनिंग वगैरह स्टार्ट कर देते हैं। वैसे नए साल से पहले ही कर लेना चाहिए था, बट एनीवेज कोई बात नहीं, जब भी टाइम मिले तब कर लेना चाहिए। सो मुझे भी फाइनली आज टाइम मिला है तो मैं यहाँ पे डस्टिंग करना स्टार्ट कर रही हूँ, और जब मेरी हाउस हेल्पर आएंगी तो वो फिर मेरी हेल्प कर देंगी। तो एक हाथ में मैंने डस्टर ले लिया है, एक हाथ में मैंने झाड़ू ले लिया है, झाड़ती जा रही हूँ जाले वगैरह। वैसे ज़्यादा जाले लगते नहीं है, बट फिर भी थोड़ी थोड़ी दिनों में झाड़ लो तो अच्छा रहता है। छोटी मोटी सी मकड़ी वगैरह रह लगती हैं अगर तो वो हट जाती हैं, वरना फिर बहुत गंदा हो जाता है। तो मैं कभी कभी जब टाइम मिलता है तो कर लेती हूँ। आज डीप क्लीनिंग का वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत टाइम के बाद। सो यही है, एंड अभी तो मैं सब ये डस्टिंग वगैरह कर रही हूँ, जब मेरी हाउस हेल्पर आएंगी तो मैं ये सोफ़ा वगैरह भी हटा करके करूँगी थोड़ा सा क्लीनिंग, जिससे कि गंदगी साफ़ हो जाए। थोड़ा सा डस्टिंग किया, ज़्यादा नहीं, अभी मेरी भारती दीदी आई नहीं है हाउस हेल्पर, उनकी हेल्प से थोड़ा सा और करती हूँ। अंदर वाले रूम में भी थोड़ा सा मुझे अभी डस्टिंग वगैरह करना है, और आज मुझे मंदिर भी क्लीन करना है, तो आज डीप क्लीनिंग वाला काम चल रहा है। ये वाले काउच को अभी हटा करके वो भी क्लीनिंग करूँगी, और ये सोफ़े का कवर तो मैंने ये जो रग बिछाया है वॉश कर दिया था, ये वाला बचा है सो उसको भी मुझे वॉश करना है। तो अभी तो मैंने जस्ट कपड़े यहाँ फैलाए हैं, ये हट जाएं, एक घंटे के बाद मैं इसको डाल दूंगी, ये वाला काउच कवर, तो वो भी वॉश हो जाएगा। तो बस सबसे पहले आज मैंने यही करना स्टार्ट किया है, सब जगह के जाले नहीं है, सब सिर्फ धूल झाड़ रही हूँ, और अच्छे से सब पूरा क्लीन हो जाएगा। अभी यहाँ पे कपड़े फैलाती नहीं हूँ क्योंकि बारिश नहीं है, तो धूप में ही डाल देती हूँ। जब बारिश होती है तो ये जगह जो एरिया है ये तभी यूज़ होता है। एंड यहाँ पर कोई आया हुआ था, मुझे लगा भारती दीदी हैं, पर वो नहीं थी। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद ये आई थी, और फिर वो पूछ रही थी ये हटाएँ वो हटाएँ। तो आज एक्चुअली इनको थोड़ा कम टाइम था, तो वो बोली कि दीदी मैं कल आपकी थोड़ी हेल्प करूँगी, आज तो मुझे जल्दी जल्दी जाना है। तो इन्होंने बस सिर्फ झाड़ू वगैरह लगा दिया, झाड़ू पोछा, और फिर वो चली गई थी। यहाँ मैंने इतना कचरा निकाला था, मुझे कुछ पेपर वगैरह भी बेचना है, सो मैंने ये कबाड़ी वाले भैया जो होते हैं ना उनको कॉल करके बुलाया है, और ये सब कुछ मैं पेपर वगैरह बेच दूँगी। ये डेली का काम नहीं होता है, ये मंथली आप लोग के घर में भी निकलता ही होगा, पेपर वगैरह कचरा वगैरह जो डिब्बे विग्बे हैं वो सारा मैं आज निकाल रही हूँ। थोड़ी सी क्लीनिंग हो जाती है, तो इसी को डीप क्लीनिंग कह लेते हैं ना, सारा अच्छे से सफाई हो जाता है, क्लीन हो जाता है, तो घर भी अच्छा लगता है और अच्छी अच्छी वाइब्स भी आती हैं। तो उसके बाद अब मैं आ गई हूँ अंदर वाले रूम में डस्टिंग करने के लिए। यहाँ पे भी मुझे सारा झाड़ना है रूम को, और फिर भारती दीदी अंदर आ जाएंगी झाड़ू लगाने के लिए। सो ये भी मैं इधर डस्टिंग वगैरह कर ले रही हूँ, कुछ नहीं है बट फिर भी मन को थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिल जाता है बस इसीलिए। और आप लोग बताइए आप लोग कैसे हैं, क्या कर रहे हैं? कल मैंने इंस्टाग्राम पर जो मुझे विनर चूज़ करने थे मैंने उनके नेम डाल दिए थे, एंड अब मैं बहुत जल्दी YouTube पे भी डाल दूँगी। वैसे आज मैंने लाइव आने को बोला है, सो मैं लाइव तो आऊँगी ही, आ ही गई होंगी जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, क्योंकि लाइव तो मुझे 12 बजे आना है, एंड ये वीडियो जो है वो 2 बजे आएगा। सो अभी मैं यहाँ पे किचन में आ गई हूँ, किचन में जहाँ पे ये मेरा पानी वाला सेक्शन है ना, जहाँ घड़ा मैं रखती हूँ, तो वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा डस्ट थी, तो मैंने सोचा चलो इसको मैं क्लीन कर देती हूँ पानी डाल के। मैंने थोड़ा स्क्रबर से लेके इसको रगड़ दिया, एंड अब मैं इस पर रख दूँगी वो फ्लावर पॉट। तो आज इतनी ही क्लीनिंग हो पाई थी भारती दीदी को
ज़्यादा टाइम नहीं था, इसलिए अब वो कल मेरी थोड़ी हेल्प करेंगी। सो चलो मैं आपको मिलती हूँ सीधे कल। हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि अब आप देख रहे थे, मेरा क्लीनिंग व्लॉग चल रहा था, सो वो मैंने कल वहीं स्टॉप कर दिया था, क्योंकि जो मुझे डस्टिंग वगैरह करनी थी वो तो कल हो गया था, बट एक्चुअली जो थोड़ा सा सोफ़ा वगैरह खिसकाने वाला काम था, क्या बोल रही हूँ मैं, वो नहीं हो पाया था, क्योंकि मैं अकेले नहीं करना चाहती थी और मुझे लगा भारती दीदी रहेंगी तो साथ में हम दोनों लोग कर लेंगे। एंड अभी नेक्स्ट डे हो चुका है, वर्मा जी ऑफिस गए हैं, मैं सोच रही हूँ, अभी तक वो आई नहीं है मेरे लिए, मेरी दीदी, तो मैं सोच रही हूँ वो आ जाएं तो मैं करती हूँ। और इधर मैंने ये ब्लैंकेट धूप में डाल दिए हैं, थोड़ी सी हल्की सी धूप है तो अच्छा रहता है ना, थोड़ी हवा वगैरह लग जाती है ब्लैंकेट वगैरह में इसीलिए। और मैंने गिव अवे जो विनर हैं वो मैंने अनाउंस कर दिया है, सो इंस्टा पे जाकर के ज़रूर देख लीजिए, वैसे मैंने लाइव में भी बता दिया है। अच्छा, एक बात और बोलना चाहती हूँ, जिन लोगों का नाम इस बार नहीं आया है उसके लिए आई एम सो सॉरी। देखो भाई, मैं ये नहीं कहती कि मैं सबको विनर बना पाई, मैं जानती हूँ आप लोगों ने सबने पार्टिसिपेट किया, और मैंने कोई भी ऐसा किसी का फेवर नहीं लिया है कि मैं इसको विनर बना रही हूँ, या उस किसी को भी ऐसा कोई भी फेवर मैंने नहीं लिया है। मैंने रैंडम ही पांच मैंने बोले थे कि मैं पांच विनर को चूज़ करूँगी, बट बहुत मुश्किल था इसलिए मैंने छः विनर चूज़ किए। सो अगली बार आप लोग, मैं बहुत जल्दी जल्दी अब ये सोच रही हूँ गिव अवे करूँगी हर दूसरे तीसरे मंथ में, और आप लोगों को अपना लव ऑफ टोकन जो है वो मैं आप लोग को देना चाहती हूँ। आप लोग मुझे इतना प्यार देते हैं, उसके बदले में तो कुछ भी नहीं है, बदला नहीं है, बट मैं अपनी इच्छा से, अपने प्यार से, अपने मन से कुछ आप लोगों को देना चाहती हूँ। सो मैं बहुत बहुत मतलब कुछ मैं क्या बोलूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। चलो इसमें आज पानी डाल देती हूँ, हर दूसरे तीसरे दिन मैं डाल देती हूँ। एंड ये मेरा स्नेक प्लांट जब आया था बहुत छोटा सा था, अभी ये बड़ा हो रहा है, मैं पानी लेके आती हूँ फिर डालते हैं इसमें। इसको इधर रखती हूँ, इसमें से ना पानी निकलता है तो इसका जो सारा पानी है वो नीचे निकल जाता है। इसमें गिर गया, एनीवेज कोई बात नहीं, यहाँ मैं पाम ट्री में डाल देती हूँ बाकी पानी। कवर को मैं डाल देती हूँ वॉश करने के लिए। अभी कुछ दिनों से ना हम लोग ये टाइड लिक्विड वाला जो सर्फ है यूज कर रहे हैं, इसके पहले मैं टाइड का पाउडर ही यूज करती थी, बट अभी ये लेके आए हैं मिस्टर वर्मा, सो ये डाला मैंने। ये कपड़े जो हैं ये मैं बाद में डालूंगी, क्योंकि ये थोड़ा सा गंदा वाला कपड़ा है, इसको ना मुझे हाथ से वॉश करना है। मेरा ये जो टॉप है ये मैं पहन के वहां गई थी ना, क्या नाम है, माथेरन, तो इसको मैं हाथ से अभी धो लेती हूँ, इस वाले टॉप को वॉश कर दी। सो गाइस, मैंने अपना टॉप भी वॉश कर दिया है, एंड कल मैंने ना वॉशरूम भी क्लीन कर लिया था, सो मेरा वॉशरूम भी क्लीन हो चुका है। और इधर ये देखिए, ये भी मैंने धुलने के लिए डाल दिया है, अभी दिखाया आपको, जब वो सूख जाएगा तो
तो शाम तक लगाऊंगी। अभी प्लांट्स उठा करके ये वाले प्लांट्स रखने हैं ऊपर, और बस ऑलमोस्ट अब घर मेरा क्लीन है। बस आज तो अभी तक भारती दीदी आई नहीं है, आज 11:30 बज गया, कुछ तो उनको काम होगा इसलिए नहीं आई हैं वो। जब वो आ जाएंगी तो फिर झाड़ू पोछा हो जाएगा। एंड अब मैं चलती हूँ, अपना वीडियो एडिट कर देती हूँ एंड ये डीप क्लीनिंग का वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ। एंड आई होप आप मेरी ये सिचुएशन को समझ रहे होंगे। बहुत सारे मुझे ऐसे कॉमेंट्स आ रहे थे कि मेरा नाम नहीं आया, मेरा नाम नहीं आया। आई एम सो सॉरी जिसका नाम नहीं आया है। मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती थी, मेरे को पता है बहुत गिल्ट फील होने लगता है जब कोई ऐसा बोलता है ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। बट मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट टाइम जिन भी मेरे प्यारे प्यारे फ्रेंड सब्सक्राइबर्स का नाम नहीं आया है, उनका नेक्स्ट टाइम नाम ज़रूर आए और मैं अच्छा उनके लिए कुछ कर पाऊँ। तो चलो अभी इस वीडियो को फिनिश करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। खुद से प्यार करिए, खुद का ख्याल रखिए, बाय।